बिहार के इस रेलवे स्टेशन के रास्ते एक नई ट्रेन का स्टॉपेज आपको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो अपडेट में ट्रेन के डिटेल्स के बारे में और यह ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर कब से आने वाली है, इसकी भी ताजा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बिहार का गया जंक्शन से होकर अब सप्ताह में दो दिन चलेगी हावड़ा से बाड़मेर के बीच हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजरों की सुविधा को ध्यान में रखकर धनबाद से कोडरमा और गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते हावड़ा और बाड़मेर के मध्य चलाई जा रही ट्रेन नंबर 12323 और ट्रेन नंबर 12324 हावड़ा बाड़मेर हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की बारता में वृद्धि की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि ट्रेन नंबर 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस का परिचालन दिनांक 25 जनवरी से सप्ताह में एक दिन के बदले दो दिन प्रत्येक शुक्रवार एवं मंगलवार को किया जाएगा। इसी तरह ट्रेन नंबर 12324 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन दिनांक 29 जनवरी से प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को किया जाएगा। इस ट्रेन के समय स्टॉपेज और कोच कंपोजिशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज देखने से और इस ट्रेन का सुविधा मिलने से यहां से अब हावड़ा के लिए और बाड़मेर के लिए सीधी ट्रेन मिल पाएगी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।